नमस्कार, एनडीए पॉकेट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा, और चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की। सदन में येदियुरप्पा के चेहरे पर दिखी हार की मायूसी, फ्लोर टेस्ट से पहले ही दिया इस्तीफा, कहा जनसेवा में जीवन समर्पित करने को तैयार। कर्नाटक कांग्रेस में जश्न हुआ शुरू, राहुल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं पीएम, बीजेपी पर लगाया विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप, कहा सब मिलकर भाजपा को हराएंगे। सेना के लिए रणनीतिक तौर पर अहम, देश के सबसे बड़ी जोजीला सुरंग का पीएम ने किया शिलान्यास, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, आपात टेलीफोन सहित अन्य सुविधा भी मौजूद। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग, दाम अपने उच्चतम स्तर पर, फिलहाल सरकार नहीं घटाएगी एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोल हो सकता है 90 रुपए प्रति लीटर। ब्रिटेन में शाही शादी आज, मुंबई के डब्बा वालों ने प्रिंस हैरी के लिए पगड़ी और मेगन के लिए खरीदी पारंपरिक मराठी साड़ी, शाही शादी में बतौर उपहार भारत देगा मेरी नाम का सांड। भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, तय समय से पहले आएगा मानसून, 28 मई को मानसून केरल में दस्तक देगा, 97% बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने दी जानकारी। क्यूबा की राजधानी हवाना के हवाई अड्डे के नजदीक हुआ बड़ा विमान हादसा, हादसे में 106 लोगों के मारे जाने की खबर, राष्ट्रपति मिगेल डियास कनेल ने लिया दुर्घटना स्थल का जायजा। अमेरिका के टेक्सास में एक स्कूल में गोलीबारी, 8 लोगों की मौत, ट्रंप ने जताई चिंता, गोलीबारी की 3री और इस साल गोलीबारी की ये 22वीं घटना है। दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला 128 साल की, बताया लंबा जीवन जीने का राज, यमराज भी भूले इनके घर का रास्ता, इस उम्र में भी करती हैं सारा काम। और गुजरात के भावनगर अहमदाबाद हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 19 लोगों की हुई मौत, संकरी सड़क पर पलटा ट्रक, मरने वालों में 12 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।